सो हे गाइज, वेलकम अगेन। सो एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने कोसेंट फॉर्मूला को जो है यूज करना सीखा था। आई एज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम रिप्लेस फॉर्मूला के बारे में जो है बात करने वाले हैं। आपको एक ऑलरेडी और मैं रिप्लेस के बारे में जो है बता चुका हूँ, जो कि हमारा है रिप्लेस कमांड। सो रिप्लेस कमांड जो है वो अलग काम करता है और जो हमारा रिप्लेस फॉर्मूला है वो बेसिकली जो है अलग तरीके से काम करता है। तो अभी इस दोनों में जो है हमारा क्या डिफरेंस है वो भी जो है इस वीडियो के लास्ट तक जो है आपको पता चल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो यहाँ पे हमारे पास जो है इन टर्म को समझने के लिए हमारे पास जो है दो कॉलम है। यहाँ पे आप चेक करोगे और इस दो कॉलम में जो है मान के चलो आपके पास जो है कुछ इस तरीके का डेटा है। सो पहले कॉलम के लिए मैं बात करता हूँ। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो पहले कॉलम के स्टार्टिंग के कुछ ऐसे वर्ड है, ऐसे कैरेक्टर है जो कि सेम है, कॉमन है। हर एक सेल में देखोगे तो हमारा जो स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर है वो हमारा जो है कॉमन है, हर एक के अंदर जो है कॉमन है। और इसमें से मुझे क्या करना है कि एक्स वाई जेड के जगह जो है मैं ए बी सी, ऐसा मेरा जो है रिक्वायरमेंट आ गया कि एक्स वाई जेड जहाँ भी है इसके अंदर वो मुझे रिप्लेस करना है किसके थ्रू, तो ए बी सी के थ्रू जो है मुझे रिप्लेस करना है। तो अब ये काम अगर आपको करना है तो ऑलरेडी आपने सीखा है कि इसको जो है आप कर सकते हो यूजिंग रिप्लेस कमांड। सो रिप्लेस कमांड कैसे यूज करेगा, सिंपली आप अपना रैन सेलेक्ट करना, कंट्रोल एफ आप प्रेस करोगे तो रिप्लेस कमांड का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आना है आपको रिप्लेस के अंदर, फाइंड व्हाट के अंदर जो आप यहाँ पे क्या चीज़ जो है सर्च करना चाहते हो। तो मेरे केस में जो एक्स वाई जेड जो है मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं नया रिप्लेस विथ, सो नया जो हम वहाँ पे वर्ड लेके आने वाले हैं। सो जो मेरे केस में जो है ए बी सी है। सो आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस, ऐसा मतलब 1-1 अगर रिप्लेस करना चाहोगे, जैसे मैं फाइंड 1 करूँगा तो अभी ये है तो इस पे जो है रिप्लेस करोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। सिंगल सिंगल ऐसे भी कर सकते हो या आप एक बार में अपनी सीट में हर जगह जो इसको अप्लाई करना चाहते हो रिप्लेस ऑल करोगे तो आपके सीट के अंदर जो एक्स वाई जेड जहाँ पे भी होगा वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ए बी सी। तो ये हमारा यूज हो गया रिप्लेस कमांड, जो कि हम इससे पहले भी यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम की बात करोगे तो यहाँ पे जो कुछ डेटा है, देखो यहाँ पे पहले में जो है हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जेड एक्स डी करके, देन दूसरा जो हमारा सेल है उसके अंदर कुछ और डेटा। यहाँ पे कोई हमारा जो है सिक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले कॉलम में क्या था, यहाँ पे जो है हमें एक सिक्वेंस में डेटा मिल रहा था तो इसलिए हमने उस पर ईजिली जो है वो रिप्लेस का कमांड जो है हमने यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है क्योंकि हर एक सेल के स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर को जो है हमें रिप्लेस करना है विथ न्यू कैरेक्टर, तो वो काम जो है हम करेंगे यूजिंग रिप्लेस फॉर्मूला। सो दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें कब जो है रिप्लेस कमांड को यूज करना है और कब जो है रिप्लेस फॉर्मूला को यूज करना है। सो अगर कंटिन्यूटी है तो वहाँ पर आप रिप्लेस कमांड के साथ जा सकते हो। कंटिन्यूटी नहीं है कि हमें ये पता नहीं चल रहा है, कॉमन चीज़ें हैं किसी के अंदर नहीं है और वहाँ पे अगर हमें रिप्लेस करना है तो देन जो हम रिप्लेस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। सो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ से जो इस सेल का रिप्लेस जो यहाँ पे करने वाला हूँ इस सेल के अंदर। सो फॉर्मूला यूज करना है तो इक्वल टू देन अपने फॉर्मूला का नाम। सो मेरे केस में जो फॉर्मूला है विच इज अ रिप्लेस, और मैं डायरेक्ट इंटर कर दिया हूँ। सो रिप्लेस ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें जो है हमें कुछ पैरामीटर पास करना होता है। सबसे पहले ये पूछ रहा है ओल्ड टैक्स। ओल्ड टैक्स मतलब कि आप जिसको चेंज करने वाले हो। सो मेरे केस में जो है ये ओल्ड टैक्स हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है स्टार्ट नंबर। सो स्टार्ट नंबर बेसिकली होता है वो हमारा कहाँ से आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हो, जहाँ से आप जो है अपने टैक्स को चेंज करोगे, कैरेक्टर को चेंज करोगे, उसका जो है इंडेक्स कौन से नंबर पर जो है वो कैरेक्टर आ रहा है। सो मेरे केस में मान के चलो मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन कैरेक्टर को जो है हर एक के अंदर जो है चेंज करने वाला हूँ। तो मेरे केस में जो स्टार्ट इंडेक्स होगा ना, स्टार्ट नंबर, वो होगा 1 क्योंकि मैं जेड पहले कैरेक्टर से जो इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। सो ये और देन जो है हमारा नम कैरेक्टर। नम कैरेक्टर बेसिकली आप कितने कैरेक्टर को जो है रिप्लेस करना चाह रहे हो। सो मैं 3 कैरेक्टर को अगर रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो स्टार्टिंग से जो है जेड से लेके 3, सो जेड एक्स डी ये 3 जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, वहाँ जो है चेंज होगा। और उसके बाद जो है आपको न्यू कैरेक्टर देना है। न्यू कैरेक्टर एज ए यहाँ पे आप अपना स्ट्रिंग पास कर सकते हो। सो स्ट्रिंग पास करना है तो डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के अंदर जो आप पास करोगे। सो ये तीनों चीज़ समझ में आए। सबसे पहले हमने सेल का रेफरेंस दिया, देन हमारा ये स्टार्ट इंडेक्स मतलब कि हम कहाँ से जो है अपने टैक्स को चेंज करने वाले हैं और कितने टैक्स को चेंज करना है, कितने कैरेक्टर को चेंज करना है वो, और देन जो है न्यू टैक्स हमें देना है। इंटर करूंगा तो ओके। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके सो हमारा जो ये डबल कोटेड है ना, सॉरी सिंगल कोटेड है ना, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा डबल कोटेड के अंदर।
सो इसको आपको डबल कोटेड के अंदर के बाद अगर इंटर करोगे तो देखो स्टार्टिंग की थ्री जो हमारा कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है एबीसी के अंदर, और इसको आप नीचे तक जो यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, तो स्टार्टिंग की थ्री कैरेक्टर जो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। अब जो हमारा रिप्लेस फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है कि आप इसको स्टार्टिंग के इंडेक्स से, आई मीन पहले इंडेक्स से ही इसको जो है पहले कैरेक्टर से ही रिप्लेस कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं। आप चाहो तो बीच के कैरेक्टर को जो है डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, किसी एक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, किसी एक कैरेक्टर से स्टार्ट करके दो तीन कैरेक्टर को एक साथ जो है चेंज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही इसको यूज करो। सो इस यहाँ पे जैसे मान के चलो मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक्स को जो है चेंज करना चाह रहा हूँ। सो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, देन जो है हमें फॉर्मूला यूज करना है। सो रिप्लेस फॉर्मूला मेरा हो जाएगा, और सॉरी सो अगेन इसको यूज कर लेते हैं रिप्लेस, और देन जो है हमें ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो ओल्ड टेक्स्ट का रेफरेंस, देन हमारा स्टार्ट नंबर। सो स्टार्ट नंबर लेट्स से जूम ये एक्स को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, सो स्टार्ट नंबर मेरे केस में 2 होगा। देन नंबर कैरेक्टर मतलब कितने कैरेक्टर को, यहाँ से एक्स से आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ से कितने कैरेक्टर को आप चेंज करने वाले हो। सो मेरे केस में अभी फिलहाल एक्स को ही अगर मुझे चेंज करना है तो नंबर कैरेक्टर जो मेरा 1 होगा, और देन जो है न्यू कैरेक्टर, सो लेट्स सी जो मेरा न्यू कैरेक्टर जो है वो जेड होने वाला है। सो जेड डबल कोटेड के अंदर और इंटर करूंगा तो देखो हमारा जो सेकेंड कैरेक्टर है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। सो इस तरीके से जो है आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर एक सेल पे जो है अप्लाई कर सकते हो। सो आई एज्यूम कि आपको ये जो है रिप्लेस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, साथ के साथ आपको ये भी चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा कि रिप्लेस कमांड और रिप्लेस फॉर्मूला में जो है क्या अंतर है, और कब कौन सा कमांड और कौन सा फॉर्मूला जो है हमें यूज करना है। सो आई एज्यूम कि आपको हर एक चीज़ जो है क्लियर होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही।